तामिया के पर्यटन स्थल झिंगरिया वाटरफॉल में डूबे युवक का मंगलवार को शव बरामद हुआ। दो दिन से चल रहे रेस्क्यू के दौरान मंगलवार को शव पानी में उतराता दिखाई दिया। घटना 9 जुलाई की है। पिपरिया निवासी 26 वर्षीय प्रवेश ठाकुर अपने दोस्तों के साथ झिंगरिया वाटरफॉल आया था। सेल्फी लेने के दौरान वो कुंड में गिर गया। बीते दो दिनों से तलाश जारी थी। सोमवार को स्थानीय रेस्क्यू दल की तलाश के बाद मंगलवार को जबलपुर से एनडीआरएफ की टीम तलाश करने पहुंची थी। हालांकि इस टीम की तलाश से पहले ही शव कुंड के पास पानी में उतराता दिखाई दिया। शव को पानी से बाहर निकालने के दौरान तामिया नायब तहसीलदार एसडीओ फॉरेस्ट एसी बघेल, रेंजर तामिया टीआई प्रीतम सिंह, तिरगाम और देलाखारी चौकी प्रभारी भारती मसराम स्टाफ के साथ मौजूद रहीं। मंगलवार सुबह शव को पानी से निकालने के बाद तामिया अस्पताल भेजा गया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव देखने के बाद परिजन और परिचितों की उम्मीदें टूट गई थी। झिंगरिया वाटरफॉल में पर्यटकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पार्किंग के लिए स्थानीय समिति शुल्क वसूल करती है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण यहाँ हादसे बढ़ रहे हैं।